हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आज मैं आपको एक ऐसा भी ऐप का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको पता चल सकता है GTA 5 की चीट्स। तो गाइस, ये मैंने ऐप डाउनलोड किया है और इसका नाम है चीट्स फॉर GTA 5। ये आपको प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको पीसी, मेरा पीसी है तो मैं पीसी से क्या, मेरा PS3 PS4 नहीं है, एक्सबॉक्स भी नहीं है। और बस मेरे को आपको बताना है कि क्या क्या चीट्स हैं, मेरे को पता है क्या क्या चीज़ें, कैसे उन्हें कंट्रोल करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको चीज़ एक्टिवेट करने के लिए ये वाला बटन दबाना होगा। गाइस, ये बटन आपके कीबोर्ड में होगा जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे होगा। तो ये सबसे पहली है टर्टल। दोस्तों, टर्टल से मैक्स हेल्थ प्लस आर्मर हो जाता है। और ये गाइस जो नंबर दे हैं, ये फोन नंबर है जिससे आप चीट्स एक्टिवेट करते हो, पर उससे थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो मैक्स हेल्थ प्लस आर्मर है, ये टर्टल्स फोन करता है, यानी कि आपकी हेल्थ पूरी हो जाएगी और आर्मर भी सही हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आपका वो आर्मर चुरा रहती है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट है गिव वेपन्स, यानी कि इसकी चीट है टूल अप। गाइस, जैसे कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस आपके सारे वेपन छीन लेती है, इसीलिए आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो और भी स्ट्रॉन्ग वेपन्स पाने के लिए। इसमें से सबसे एक्सक्लूसिव वेपन है एक स्नाइपर राइफल और एक RPG-7। अब नेक्स्ट वाला है इनविंसिबिलिटी फॉर 5 मिनट्स, यानी कि गाइस, जब आपको 5 मिनट के लिए आप कदे ही नहीं मरोगे, पुलिस आपको रत्ती भर भी नहीं मार पाएगी। गाइस, तो इस चीट को हम बोलते हैं पेन किलर। दोस्तों, आपको पेन किलर सिंपल टाइप करना है, आप 5 मिनट के लिए इनविंसिबल बन जाओगे। उसके बाद अगर आपको करते रहें तो जल्दी जल्दी करते रहो। तो अब है लोअर वांटेड लेवल, लॉयर अप। तो गाइस, जैसे कि आपको कभी कभी पता है कि ट्रेवर को आप जब क्या कहते हैं स्विच करते हैं, तो कभी कभी आपको दिखता होगा उसके पीछे बिना मतलब कि कोई पुलिस पड़ी है। तो इस चीट को यूज कर दिए लोअर अप। सच बताऊं तो गाइस, इसका चीट हमेशा नहीं इस्तेमाल की जैसी, यानी कि अगर आपने कुछ किया तब आपके पीछे पुलिस पड़ी है तो ऐसा नहीं हो सकता। और आई एम सॉरी गाइस, मेरा मोबाइल बार बार बंद हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट है रेज वांटेड लेवल जिसका नाम है फ्यूजिटिव। लॉर अप उसका अपोजिट है इन दोनों का, वो ठीक है। अब हमें स्पेशल एबिलिटी रिचार्ज, यानी कि गाइस, जैसे कि हर एक कैरेक्टर की स्पेशल एबिलिटी होती है। माइकल की होती है जो कि शूटिंग के वक्त स्लो मोशन में जा सकता है, फ्रैंकलिन स्लो मोशन में जा सकता है ड्राइविंग के वक्त। तो पावर अप दबाना है, आपका हो जाएगा। अब ये एक फ्लेमिंग बुलेट्स की चीड़ है आइसन डेरी में। गाइस, आप जैसे ही किसी चीज को लगाओगे तो वो उसमें आग लग जाएगी। ओके गाइस, अब है एक्सप्लोजिव बुलेट्स, यानी कि हाई एक्स, यानी कि गाइस, जब भी आप किसी चीज को मारोगे तो फ्लेम नहीं निकलेगी, जैसे कि वो आग में नहीं लपट जाएगी, वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा कार है, जो कि बहुत अच्छी कारन है। तो है अब स्लाइडी कार्स, यानी कि स्नो डे। आपको बस स्नो डे एक्टिवेट करने से आपकी ही कार एकदम चल नहीं पाएगी ठीक से, यानी कि वो ऐसा लगे जैसे आप बर्फ पे फिसल रहे हो। नेक्स्ट है मून ग्रेविटी फ्लोटर। गाइस, मुझे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता। अब है चेंज वेदर, यानी कि मेक इट रेन। अगर आपको बारिश हो रही है आपके यहाँ, तो आप मेक इट रेन की चीट एक्टिवेट कर सकते हो अलग अलग मौसम को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स, इसे बोलते हैं सुपर जंप। दोस्तों, सुपर जंप यानी कि हॉट वाइट। आपको हॉट वाइट नाम की चीट लिखनी है और खूब ऊंचा कूदोगे। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव मिली अटैक्स, यानी कि गरम हाथ, यानी कि हॉट हैंड्स। जैसे ही गाइस आप किसी को मुक्का मारोगे तो बंदा एक्सप्लोड हो जाएगा। कमाल का है ना गाइस। ये है स्लो मोशन मोड, ओ वाओ। तो ये है स्लोमो, यानी कि SLOWMO, यानी कि इससे स्लो मोशन में सब कुछ हो जाएगा। अब इसका नाम है स्लो मोशन है डेड आई। ओके, स्काई फॉल में गाइस आप सीधा आसमान में स्पॉन हो जाओगे और स्काई डाइव से आपको पैराशूट मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी है। अब अगर आपको बहुत तेज दौड़ना है तो ये लीजिए कैच मी। ओके, तो कैच मी चीट एक्टिवेट करने से आप बहुत ही जल्दी तेजी दौड़ोगे। नेक्स्ट है फास्ट स्विम, यानी कि गॉट गिल्स, यानी कि गॉट गिल्स से ये होगा कि आप बहुत तेजी से तैर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है ड्रंक मोड, यानी कि लिक्वार से आप एकदम ड्रंक हो जाओगे। अब है स्पॉन BMX, यानी कि बैंडेड। अब व्हीकल की बारी आ गई है, BMX से बैंडेड, यानी कि एक मोटरसाइकिल आ जाएगी, सॉरी मोटरसाइकिल नहीं, एक साइकिल आ जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट है बज ऑफ से गाइस एक अटैक हेलीकॉप्टर स्पॉन हो जाएगा जो कि मिलिट्री बेस में, और वो सच कहूँ बहुत मजेदार हेलीकॉप्टर है सच कहूँ। और ये है अब है हॉलिन वन, इससे कैडी आ जाएगी, एक गोल्फ कार्ट आ जाएगी
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं गाइस करने जा रहा हूँ एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसे स्पोर्ट्स कार नहीं सुपर कार की लाइन में डालना चाहिए था GTA 5 वालों को। इसका नाम है कॉमेट। आपको सिंपल कॉमेट डालना है तो एक कॉमेट नाम की बहुत ही फास्ट सुपर सॉरी स्पोर्ट्स कार मिल जाएगी जो कि बहुत ही अमेजिंग है गाइस। अब नेक्स्ट है एक स्टंट प्लेन, इसको हम करना है। इसका गाइस है बार्नस्टॉर्म, यानी कि आपको एक छोटा सा स्टंट प्लेन मिल जाएगा जिससे आप स्टंट्स मारते रहोगे। एंड गाइस नेक्स्ट है ट्रैश, यानी कि आप एक ट्रैश ट्रक को स्पॉन कर लोगे जो कि आपको एक मिशन में करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो अब है स्पॉन लिमो, यानी कि लिमोसीन। लिमोसीन एक लंबी कार होती है, उसके लिए आपको चाहिए वाइन वुड। ओके वाइन वुड जैसे GTA 5 में, उससे याद रख लेना। अब नेक्स्ट है डस्टर, डस्टर एक पुराने टाइप प्लेन है, उसके लिए है फ्लाई स्प्रे। ओके गाइस, और ये है स्पॉन PCJ। PCJ एक बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है जो कि काफी मजेदार है। इसका आप डालेंगे रॉकेट। ओके गाइस, नेक्स्ट है रैपिड GT। इसे गाइस रैपिड GT नाम की एक स्पोर्ट्स कार स्पॉन हो जाएगी, ये नीचे दे रखा है। अब नेक्स्ट है शेंजेस, एक ऑफ रोड आपको छीट टाइप करनी है, एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल आ जाएगी आपके पास जो कि बड़ी मस्त है। अब ये ब्लैक सेम्फोन्स का मतलब मुझे नहीं पता, इसका नाम है एम ड्रॉप, इसका तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होगा। अब ये है स्पॉन ड्यूक ऑफ डेथ कार, तो आपको इसके लिए एक रैंडम इवेंट आपको अनलॉक करना पड़ेगा जिससे आप डेथ कार को स्पॉन कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पॉन डोडो, अनलॉक बाय कंप्लीटिंग द सी प्लेन रैंडम इवेंट, यानी कि शायद एक्सटेंट नाम की सी चीट है जो भी होगा। और नेक्स्ट है क्रेकिंग, यानी कि बबल्स। मेरे ख्याल से बबल्स का मतलब तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको सर्च करके दिखा सकता हूँ। तो ये थी चीट्स, अब सर्च करते हैं ड्यूको डेट डोडो का क्या मतलब है। सबसे पहले मुझे क्यूरियस हूँ डोडो का। सॉरी गाइस, मैं कैमरे से ही देख के इसको। ओके मैं गलत कर रहा हूँ, डोडो तो डोडो हमें GTA 5 का मिल गया। तो ओके गाइस, तो डोडो एक इस टाइप का सी प्लेन है, और देखिए तो ये कैसा दिखता है। ओके गाइस, तो इमेज में पता चल रहा है कि इसके दो टांगे जो से फ्लोट करने में मदद करती हैं, और ये एक पंखे वाला प्लेन है। अब हम देखते हैं ड्यूक ऑफ डेथ को। GTA 5। तो गाइस अच्छा, ड्यूक ऑफ डेथ एक रैंडम इवेंट में आपको तो ड्यूको डेथ मिलेगी, यानी कि ज्यादा से कुछ मतलब नहीं पड़ता। सच कहूं तो देखने से ये ना एक मसल कार लग रही है, जैसा कि ऐसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मसल कार मैंने कहीं देखी है, यानी कि ऐसा लग रहा है ऐसे मॉडिफाई किया गया है। तो अब नेक्स्ट स्पॉन करेंगे क्रेकिन, जो क्रेकिन पता नहीं क्या है बबल्स नाम से क्रेकिन। गाइस अब मैंने क्रेकिन स्पॉन करने के लिए चूज कर लिया ऑप्शन, एक मिनट गाइस। तो गाइस ये है क्रेकिन, कुछ भी स्पॉन कर रहा है भाई GTA 5। ओके गाइस, तो मुझे पता था ये एक सबमरीन है। हाँ ये सबमरीन है, मुझे लग ही रहा था बबल्स नाम से सबमरीन होगा। तो गाइस ये थी चीट्स, और हमने तीन व्हीकलों को एक्सप्लोर किया है। अगली बार मैं आपको ये भी बताऊंगा GTA 5 में ड्यूको डेट फ्री कैसे अनलॉक करना है, क्योंकि इसमें दिखा रखा है। तो थैंक यू गाइस, सी यू लेटर।